सो हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉक गेमर्स। सो गाइस, जब भी आप अपने फ्री फायर को लॉगिन कर रहे हो तो भाई आपको वहाँ पे लॉगिन में एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा होगा जिसका नाम है न्यू वर्जन डिटेक्ट प्रोसेस यू आर डाउनलोड। गाइस, आपको इस चीज़ से छुटकारा कैसे मिलेगा एंड आपको एक और प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा होगा नेटवर्क कनेक्शन वाला, ठीक है, नेटवर्क इशू भी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। और गाइस, मैं 100% गारंटी लेता हूँ अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो गाइस आपको किसी और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है और आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। बस उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, बट यार आप लोग सपोर्ट नहीं करते यार। प्लीज़ यार, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि भाई तुम्हारे सब्सक्राइब करने से ज़्यादा कुछ तो नहीं, मुझे एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। अगर आप लोग अपना भाई समझते होगे तो कर लेना, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो गाइज़, मैं तो हमेशा आपकी मदद करने की सोचता हूँ, अगर आपको मेरी मदद करना हो तो गाइज़ आप लोग मेरी मदद कर सकते हो। तो गाइज़, आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो गाइज़, आपको चले जाना अपने फ़ोन की सेटिंग में। तो जैसे कि मैं अपनी फ़ोन की सेटिंग में आ चुका हूँ, तो गाइज़ यहाँ पे आपको थोड़ा सा सर्च देखना है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको एक ऐप का ऑप्शन मिलेगा, अगर आपको ऐप का ऑप्शन नहीं मिलता तो गाइज़ आप सर्च करके भी निकाल सकते हो ऐप्स का। एंड ऐप्स का जब आप निकालोगे तो गाइज़ यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, चाहे वो आपका फ्री फायर हो चाहे फ्री फायर मैक्स हो, ये ट्रिक है जो दोनों में वर्क करने वाली है। तो गाइज़ आपको नीचे जाके स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, जो जहाँ पे भी आपका फ्री फायर हो या फ्री फायर मैक्स हो उस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद उसको आपको कर देना है फोर्स स्टॉप। गाइस देखो, ये जो आपको कर देना है, ठीक है गाइस, फोर्स स्टॉप कर देना है। एंड फोर्स स्टॉप करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है स्टोरेज में। तो गाइस स्टोरेज में जाने के बाद आपको क्लियर डाटा एंड क्लियर कैच कर देना है गाइस, क्योंकि जब आप क्लियर डाटा एंड क्लियर कैच कर लोगे तो गाइस जो भी आपके फ़ोन के अंदर जो भी इशूज वगैरह आ रहे थे गेम से वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो आपको क्लियर कैच एंड क्लियर डाटा कर देना है। एंड जब आप क्लियर कैच एंड क्लियर डाटा कर लो उसके बाद आपको अपने फ़ोन को एक बार ऑफ कर देना है। तो गाइस ठीक है, फिर आपको अपने फोन को एक बार ऑफ कर देना है, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे देख सकते हो। एंड ऑफ करके आप रीस्टार्ट जो भी आप करना चाहते हो, एंड आपको रीस्टार्ट जो भी आपको करना है आप वो कर सकते हो, मतलब आपको एक बार अपने फोन को बंद करके चालू करना है। जैसे कि आपका फोन बंद करके चालू होता है एंड उसके बाद आप गेम को खोलने की कोशिश करो। एंड अगर आपका गेम खुल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खुलता तो इसका भी एक आखिरी जो सॉल्यूशन है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे आ जाने के बाद तो गाइस आपको को आप जो आपका जो भी फ्री फायर है एंड जो भी फ्री फायर मैक्स है जिसमें आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है, आपको उसको डिलीट कर देना है गाइस। डिलीट का मतलब समझो ना, अनइंस्टॉल कर देना है गाइस। मैं तो अभी अनइंस्टॉल करने वाला नहीं क्योंकि मेरे पास तो सही वर्क कर रहा है अभी। तो आपको उसको अनइंस्टॉल कर देना है गाइस। जैसे आप इसको अनइंस्टॉल कर दोगे उसके बाद मैं बता दूँ, आपको डाउनलोड करोगे तो गाइस आपको वही सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। जब आप उसको अनइंस्टॉल कर दो गाइस तो आपको जो फ्री फायर हो या फिर फ्री फायर मैक्स, ठीक है गाइस, फिर आपको क्या करना है, अनइंस्टॉल करने के बाद अपने नेटवर्क को बिल्कुल ऑफ कर देना गाइस, समझ लो अपने नेटवर्क को बिल्कुल ऑफ कर देना है। एंड आपको जो भी अपना नेट है उसको दोबारा स्टार्ट करना है। एंड स्टार्ट करने के बाद आपको जाना है क्रोम में। तो इस क्रोम या कोई भी ब्राउजर जो भी आप अपने पास यूज करते हो एंड आपको उसमें अंदर चले जाना है, ठीक है गाइस, आपको उसके अंदर चले जाना है। एंड जाने के बाद यहाँ पे फ्री फायर को सर्च करना है। जैसे कि अभी मेरा थोड़ा फोन लैग हो चुका है तो एक मिनट आप गाइस रुक सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अभी मेरा थोड़ा देख सकते हो फोन 2GB वाले से वीडियो बनाता हूँ भाई। तो गाइस आपको यहाँ पे सर्च करना है फ्री फायर, ठीक है। फ्री फायर जैसे ही आप सर्च करोगे, जो भी आपका हाँ फ्री फायर मैक्स हो या जो भी हो, आपको यहाँ पे फ्री फायर सर्च करना है। एंड फ्री फायर सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे पहला जो भी वेबसाइट देखने के लिए मिलता है गरीना ऑफिशियल वाला, जो कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको इस वाली वेबसाइट पे चले जाना है। एंड जाने के बाद यहाँ पे आपको फ्री फायर तो आप डाउनलोड के लिए दिखेगा नहीं, बट फ्री फायर मैक्स जरूर दिख जाएगा। तो भाई यहाँ पे आपको जाना है प्ले टू गूगल पे, यहाँ से गाइस, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद ये आपको डायरेक्ट ले जाएगा फ्री फायर मैक्स के अंदर, ठीक है गाइस। आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना है, ये थोड़ा मेरा नेटवर्क इशू आ रहा है क्योंकि मेरा एक्चुअली VPN है। तो आप गाइस यहाँ से जाने के बाद आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में पहुँच जाओगे। एंड प्ले स्टोर में पहुँच जाने के बाद गाइस आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है फ्री फायर मैक्स को। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि भाई हम तो फ्री फायर खेलते हैं नॉर्मल, उसको कहाँ से डाउनलोड करें। तो भाई इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है जिसपे आप फ्री फायर का न्यू वर्जन कैसे डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो, अगर आपका प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको ऐसे क्लियर कर सकते हो, फ्री फायर को डाउनलोड कर सकते हो न्यू वर्जन वाला, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड गाइस आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो गाइस आई होप आपको सही से समझ में आ गया होगा और एंड आपकी प्रॉब्लम भी मैंने 100% सॉल्व कर दी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भाई को थोड़ा सपोर्ट जरूर करना क्योंकि आपकी सपोर्ट की जरूरत है।